नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और रविवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 10:58 तक रहेगी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान है, यानी आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज रात 10:28 तक ब्रह्मयोग रहेगा। शांतिपूर्वक कोई कार्य करने के लिए ब्रह्मयोग अच्छा रहता है। साथ ही आज रात 12:01 से कल सूर्योदय तक द्विपुष्कर योग रहेगा। इसके अलावा आज रात द्विपुष्कर योग मतलब एक काम कीजिए, दो फायदा लीजिए। इसके अलावा आज रात 12:01 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि ये योग बीते कल यानी 23 तारीख की रात 9:33 पर शुरू हुआ था और आज पूरा दिन पार करके रात 10:58 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 जनवरी की सूर्योदय से रात 1:56 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:50 से 10:01 तक और रात 10:58 से 11:54 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 जनवरी की सुबह 7:11 से 10:55 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 फरवरी की सुबह 7:07 से 9:03 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:13 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:22 तक रहेगा और फिर आज ही सुबह 9:50 से 10:01 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:50 से 10:01 तक और रात 10:58 से 11:54 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 10:58 से 11:54 तक और रात 2:14 से अगली सुबह 7:13 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 25 जनवरी की रात 12:25 से 1:55 तक रहेगा। और अब बात आती है शुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 8:31 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।